Hey guys, welcome back to my channel, ध्यान धर्म व्लॉग्स। So guys, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी वीडियो 2:30 तक के बाद या 3 बजे तक आ जाएगी, तो अभी फुल 3 नहीं बजे हैं, अभी हो रहे हैं मेरे 2:47 हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो आज हम गए थे जाफराबाद पतंगे लेने के लिए। आप लोग सोचोगे जाफराबाद एक पतंग लेने के लिए, नहीं, पर हम वहाँ पे फैक्ट्रियों में गए थे पतंगे लेने के लिए। सॉरी मैं वहाँ नहीं बना पाया क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहाँ, है ना, तो इसलिए गए थे। तो आज हमने पतंग बनती हुई भी देखी, वरना आपको वहाँ का व्लॉग बनाते हैं। तो हम पतंगे लेके आए, इतनी सारी पतंगे लेके आए आप सोच भी नहीं सकते। करीब मैं लाने तो बोलते थे, मैं आपको सब बताता हूँ, मैं लाने ही है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला पैकेट, इसमें सारी पतंगें आपको मिल जाएंगी। जैसे ये व्हाइट वाली पतंग आप देख सकते हो, इधर रेड वाली पतंग, बीच में देखो काला काला आपको दिख रहा है, काली। एक एक पैकेट में 3 अलग अलग तरह की पतंग होंगी। एक ये पैकेट आ गया आपका, ठीक है। इसमें सारी एक देखो, एक चांद बनने वाली है, एक प्लेन ब्लैक और बीच में पर्पल है। ये देखो अगर आपको दिख रहा हो तो पर्पल है, इसके बीच में 3 पतंग हो गई। और एक ये लेके आया, इसमें 8 पीस है। ये देखो कितना मस्त डिजाइन है पतंग। देखो गाइस, मैं अपने हिसाब से चूज करके लेके आया हूँ, आप खुद सोच सकते हो। और एक और डिजाइन दिखाता हूँ आपको, इसका डिजाइन देखो गदर है ना, एकदम तगड़ी है ना पतंग है। तो जाफराबाद मैं हमेशा से जाफराबाद ही लेके आता हूँ। पिछले साल में 2020 में मैं सदर गया था पतंगे लेने के लिए, तो क्या हुआ कि मुझे नहीं मिली वो, क्या बोलते हैं, 30 पतंग खुली नहीं मिली मुझे। क्या मिली? पैकेट वाली। अब वो क्या, अब एक तरह की पतंग पैकेट वाली दिखा रहे। अब मैं सोचूं, मैं गया पैकेट वाली मुझे नहीं चाहिए, तो वो कह रहे बेटा ऐसा ही मिलती है हर जगह, वरना आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो हमने ये ले ली, कम से कम ये है 48 का इंच है। 8 दो जो पैकेट में कागज वाले दिखाए उसमें 20-20 पूरी पतंग है। ये पन्नी वाली है ना, जो आपको खोल के भी दिखाएंगे, जो पन्नी वाली, जो ये 8 पीस है इसमें। तो आप लगा लो 20-20, 40, 48। चलो, और एक हम ये लेके आए हैं, ये चरखड़ा है, 400 रुपए पांडा का चरखड़ा है, सबसे फेवरेट मान जाए ये मेरा। वैसे फेवरेट तो मेरा मोनोकाइट है और मैदानी है, पर कोई बात नहीं, इससे भी हम ऐसे पतंगे काटेंगे, इंसान की पतंग पटर की तरह उड़ती जाएंगी, पटर की तरह, कोई दिक्कत नहीं। पतंग तो हमें काटनी आती है, सब आपको दिखाएंगे, अनबॉक्सिंग करते हैं चलो इसकी। सो गाइस, सबसे पहले हम उसको खोलते हैं, कागज वाली वाली पतंग को। सो गाइस, ये तो खुली हुई है, हम चाकू भी लेके आए हैं साथ में। बस थोड़ा टाइम लगेगा, बस खुल चुकी है ये हमारी पतंग, वापस हम इसको पैक कर देंगे। ये देखो आ गई आपकी सारी पतंग, अब आप खुद देख सकते हो। करीब 4 पतंग इसमें लाल वाली है, अब ये देख लो 4 पतंग इसमें काली वाली है, प्लेन एकदम। ओ भाई, 4 तरह की पतंग। तो गाइस, इसमें एक डिफेक्टेड पीस निकला है। गाइस, ये देख लो अब आप कितनी चोर बजारी हो रही है, ये देखो। कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा जोड़ लेंगे, हमें आता है, हम भी पूरे फुल कारीगर हैं पतंगों के। ये देखो गाइस, डिफेक्टेड पीस ऐसे निकलते हैं, अगर आप में निकले तो आप बुरा मत मानना। आपके पास वो थी ना पन्नी वाली टेप, उसको लेकर इसके कोने में देखो, ये है ना, ये कोने में चिपका देना। ये देखो ये वाली पतंग निकली है हमको, आंख वाली। मैंने कहा था ना 4 तरह की पतंग होंगी, ये देखो आंख वाली निकली है पतंग, ये भी मेरी बहुत फेवरेट है। ओ समझ गया, 2 पतंग एक्स्ट्रा दिए इन्होंने। और गाइस, 4 पतंग हमारी ये है, वाओ कितनी अच्छी पतंग है, वो आप खुद देख सकते हो। चलो हम इसको रखते हैं, वरना फसाई फट जानी है हमारी पतंग, दोबारा पहले रख देते हैं। गाइस, अच्छी पतंग निकली है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चिपका देंगे, ऐसी बात नहीं है कि भाई हम गुस्सा करेंगे किसी इंसान को। वो भी इंसान बेचता है, रोटी खाता है, घर कमा कर लेके जाता है, हम क्यों उसको दुखी करें। चलो, तो और भी गाइस, ये देखो ये प्लेन गुड्डा है एकदम, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुड्डा, अच्छी क्या नहीं लगती गाइस। 400 रुपए का पड़ा है हमको चरखड़ा, कम से कम पतंगे पता नहीं, आपको बता देंगे हम। मैं अब हम उसकी पन्नी का हमें, उसकी पन्नी का गाइस, चलो रख देते हैं हम इन पतंगों को। इस पतंग को तो साइड रहने के, जो फट गई है, 2 मिनट वेट करना, हम थोड़ा रखते हैं पतंगों को पहले।
होगी गाइस, फट गई तो भाई मेरा ही नुकसान है ना, मेरे को कल उठानी है। कल की एकदम फुल तैयारी गाइस, आपको कल का भी एकदम ओपी व्लॉग मिलेगा। आप लाइक करते करते थक जाओगे पर वीडियो खत्म नहीं होगी, बहुत तगड़ी वीडियो बनानी है कल। 2 मिनट रुकना बस आप, अभी रख ले हम। सॉरी गाइस अगर आपको पीछे से रोशनी आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एसी चल रहा है हमारा। अब भी जस्ट मैं आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं वहाँ पे मैं बना नहीं पाया था, मेरे को मैं एकदम सोच में पड़ गया, मेरे को क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने सोचा मैं घर जाते ही बना लूँ। ये बर्फ पन्नी उड़े जा रही है, उड़े जा रही है। बड़ा मुश्किल है गाइस, अगर पाप पन्नी वाली बनानी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कितने भी डिफेक्टेड पीस निकल जाते हैं इसमें। कोई बात नहीं गाइस, पतंगी तो है ना, उड़ानी है, कटनी है, और ये तो है नहीं कि भगवान के हाथों वाली पतंग की बस कटेगी नहीं जिंदगी भर में, वो तो डोर के ऊपर है पतंग तो कभी कटेगी भी नहीं, पर डोर के ऊपर होता है वो, डोर इतनी तगड़ी पतंग। ये बड़ा मुश्किल है इसको रखना। चलो आ गई, चलो गाइस हमने अपनी पतंगे वापस रख दी, अब आपको और पतंगे दिखाते हैं। ये देखो ये पूरा डिफेक्टिव पीस है, इसको हम हटा देते हैं साइड में। अब आते हैं इसकी बात पर, ये देखो ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी क्या खास है, ये देखो इस पे कारीगरों के नाम लिखे थे, थंब है ये देखो थंब, ये सबसे अच्छी पतंग लगती है क्योंकि ये इतनी अच्छी पतंग होती है, ऐसे खेचा मारोगे ना 2 मिनट में उड़ जाएगी। सॉरी गाइस मेरी आपको पतंग सिखाने वाली वीडियो नहीं आ पाई, ये अक्सर क्या है हमारी जो ऊपर वाली आंटी है ना वो मना करती जाने से, और सही भी है देखा जाए तो, इसलिए ना बस दिक्कत रह रही है। कोई बात नहीं आपको कल मिल जाएगी, कल देख लेना कैसे उड़ाते हैं पतंग, पर कल वो वाली वैसे मत देखना दोपहर में, पतंग उड़ाने में सब लोग बिजी होंगे और खाना बनाने में बिजी होंगे, आराम से देखना शाम को 6-7 बजे आराम जब आपका मन करे। तो चलो खोलते हैं, ये खुली होगी तो पहले देख लेते हैं कहीं से खुली तो नहीं है ना। हाँ खुली है। हाँ चलो हम निकालते हैं। अब आपको दिखाता हूँ उसकी खासियत, ये देखो गाइस मैं कह रहा हूँ चार तरह की पतंगे हैं इसमें। ये प्लेन ब्लैक जो सबसे तगड़ी पतंग है, इसमें 4 पीस आएंगे, आपको आप भी ले सकते हो, सस्ते भी पड़ते हैं, 200 रुपए पर पैकेट पड़ता है। अगर आप खुली लोगे ना तो तिरंगा 10 रुपए का मान के चल लो, 5 तिरंगा 50, और 5 ये वाली मान के चल लो 100, और 5 ये वाली मान के चल लो पर्पल कितनी 150, और 5 और तो आपके पास हो जाएगी 5x5x20 हो जाएगी, और हमें लेनी 30, करीब 250 तक का तो खर्चा हो जाना है, इसलिए ये ले लो 200 रुपए का पड़ेगा आपको 20 पतंगे। ये देखो आपको प्लेन पतंग है एकदम, एक ये आ गई एकदम आंखों वाली, ये जो ये भी मेरी सबसे ज्यादा, ये कुछ पतंगे जो होती है जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट पतंग है, मैं आपको क्या बताऊँ, आप नहीं समझ पाओगे मेरा मेरी फेवरेट और अनफेवरेट, पर मैं कह सकता हूँ आपको दावे से कह सकता हूँ ये मेरी फेवरेट पतंग है। और गाइस ये देखो चांद वाली पतंग, इसमें भी ठंप लगा, ये देखो चांद वाली, ये देखो ये भी मस्त है। चलो आपने ये लोग पतंग ये सारी देख ली पतंग, चलो इनको रख देते हैं और मैं इनका भी वही हाल होना चाहूँ पहली पतंग का होना है। सबसे पहले पतंग में तो तुम रुकना, मैं थोड़ी पन्नी लेके आ रहा हूँ। चलो वापस रखते हैं बिना कोई शोरगुल करे, जस्ट मैं अभी आया, मैंने सोचा मैं चलो मेरे सब्सक्राइबर वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियो का, कोई बात नहीं चलो जल्दी चलो, मैं जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ाऊँ ना कि सांस फूल रही थी मेरी, पर मैंने तब भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, वरना मेरा तो पता आज क्या मन था, बनाने का तो था ही नहीं मेरा मन, मैंने कहा चलो भाई ऐसे यूट्यूब कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपकी पतंग दिख गई, ये भी 200 रुपए का पीस होगा या जितने का, 100 रुपए का, मेरे को ये पता नहीं है। अब आते पन्नी वाले पर, अब हैरान हो जाओगे डिजाइन देख कर, आपको कल भी वीडियो दिखेगी, और मैं आपको कुछ सेफ्टी रूल्स बताने वाला हूँ। जब भी आप 15 अगस्त से पतंग उड़ाने जाओ, फुल बाजू की शर्ट पहन लो, अगर आप मान लो 2-3 बजे उड़ाने जाते हो तो, अगर 5:30 जाते हो तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको जरूरी फॉलो करना है, ठीक है। मैं जाऊँगा 4:30 बजे, ठीक है, तो
मैं आपको तो बताइए मैं क्या रूल फॉलो करता हूँ। सबसे पहले फुल स्लीव की एकदम टी शर्ट या जो भी आपको पहनने का मन है लोअर पहन लो, अगर आपके पास कोई ट्रैक सूट है तो वो पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंडेज लगा लो, एक उंगली में एक बैंडेज लगा लो, 10 उंगली है ना आपकी, 10 बैंडेज ले आओ, एक उंगली में एक लगा लो। सबसे जरूरी टेप साथ में रखनी है हमेशा आपको 15 अगस्त पे, टेप और कैंची जरूर, और एक कम से कम आपको 5-6 तिल्लियां ले लेनी है, टूथपिक या आपके पास कोई भी झाड़ू की तिल्लियां हो ठीक है वो ले लेनी है छेद करने के लिए। और आपके पास मान लो तो सबको बताइए सबको होता है, और आपको चाहिए हाँ, और आपको हमेशा जब भी ऊपर जाना है तो गॉगल्स पहन के जाना है, ये ध्यान रखना, कोई भी गॉगल्स हो सिर्फ ट्रांसपेरेंट के अलावा कोई भी पहन के जाओ, जरूरी नहीं है। मान लो जो हमेशा पतंग उड़ाते रहते हैं जिनको आदत है उड़ाने की हर टाइम पतंग 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 है ना, वो लोग गॉगल्स नहीं पहनेंगे क्योंकि इनको इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जो लोग जल्दी जाते हैं ना उनके लिए जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे वरना हमें भी तो भाई काम करना है भाई, मुझे भी पूरे फुल करने वाले हैं आपको पता नहीं है। पन्ने की पतंग एकदम धांसू है गाइस, मेरे को इधर से दिख रही धांसू, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। भाई हमारी पतंग आ चुकी है बाहर, अब गाइस आप भाई अब आप ये देखो, अब आपको डिजाइन दिख रहा है कितना अच्छा डिजाइन है, कसम से मेरा मन कर रहा है इसे उड़ाऊं ना, इसे घर में लटका के रखूं, पर क्या करें गाइस पैसे जब वेस्ट होते हैं ना तो मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। चलो मैं इसलिए ये पतंग लेके आया, उसकी पूंछ देखो सबसे मस्त पूंछ लगती है मेरे को, उसकी चमकेगी। और ये देखो गाइस, ये देखो कितना अच्छा डिजाइन है, इतनी अच्छी डिजाइन कागज वाली भी नहीं होती जितनी ये पन्नी की होती है, पर्पल। और गाइस के पीछे कुछ नाम वाम भी लिखे, पता नहीं क्या लिखा है, कोई यहाँ ब्रांड लिखा पतंग का, जब आप देख सकते हो कितनी अच्छी पतंग है। और एक और डिजाइन दिखाता हूँ आपको, लास्ट डिजाइन है ये, लास्ट पतंग है ये देखो, ये भी एकदम अच्छा डिजाइन है, इसको भी आप पूरा नहीं कह सकते, ये देखो गाइस डिफेक्टेड पीस निकलते हैं कितने, यहाँ पे टेप टेप चिपकी हुई है, नहीं टेप नहीं है। देखो गाइस अगर आपको दिख रहा हो यहाँ से फटी हुई है, ये देखो फटी हुई है यहाँ से। सो गाइस इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, अगर आपको भी ये सब चाहिए तो आप YouTube पे जाके सर्च मार सकते हो जाफराबाद काइट मार्केट, तो कुछ लोग होंगे जो आज ले आए होंगे। सो गाइस आपको दोबारा बता देता हूँ, ये पांडा वाला मांजा है 400 रुपये का मिला है, 2 रील का मांजा है ये, मुझे भी कम लग रहा था पर चलो क्या करें, 400 रुपये का मांजा, चलो 200 रुपये का होता तो एक और ले लेता है ना, या भरवा लेता, क्या करें पैसे इंसान तो कुछ भी करवा सकती है। ये देखो आप देख सकते हो चिट फिट एकदम न्यू ब्रांड ब्रांड न्यू है। सो गाइस इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आपने मेरी वीडियो को इतना टाइम दिया, आपने अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियो को ध्यान दिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो कर लिया बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।